मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे टॉपिक डिस्कस कलर इंट्रोडक्शन टू कलर्स आप आज कलर्स बारे गल करेंगे ठीक है किन्ने टाइप्स के कलर होंगे कलर्स की अगर नैक्सनेस कि टाइप्स होंगे ठीक है एंड उन्हें कि कलर स्कीम्स बनती हैं जो आप कलर बारे सारे डिस्कस करा ठीक है बच्चे का जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ठीक है जी ये कलर स्कीम्स बनानी है ये सब तो पहला फस्ट आप बनावे कलर व्हील ठीक है कलर व्हील एक बेसिक है ठीक है कलर व्हील तो आप नैक्सट कलर स्कीम क्रिएट करते हैं ठीक है सब तो पहले तुम देख लो कि कलर्स केड़े होंगे और किड़े टाइप्स के कलर होंगे मोस्टली तीन टाइप्स के बच्चे कलर होंगे किड़े प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर टर्शियरी कलर ठीक है जी इन सब तो पहला आप देखिए प्राइमरी कलर केड़े होंगे देखो प्राइमरी कलर के तीन कलर आते हैं रेड ब्लू येलो ठीक है जी प्राइमरी कलर केड़े आते हैं रेड ब्लू येलो ये साढ़े प्राइमरी कलर ठीक है नैक्सट आ जाते साढ़े सेकेंडरी कलर के आते हैं ऑरेंज ग्रीन ब्लू परपल सॉरी ऑरेंज ग्रीन एंड परपल जोड़ा है साडा वो कि सेकेंडरी कलर ठीक है जी नैक्सट आते हैं साढ़े टर्शियरी कलर हम कि होंगे जेड़े प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करके क्रिएट किए जाते हैं वो कि होंगे टर्शियरी कलर ठीक है जी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर में दोनों कलर मिक्स करके जो एक कलर क्रिएट होंगे कि टर्शियरी कलर ठीक है जी अगर जो सा कलर व्हील है वह नैक्सट कलर स्कीम्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दी कलर स्कीम कि बनती हैं असी कलर व्हील के कलर सिलेक्ट करने होंगे असं इधरों कलर सिलेक्ट करके वो अकॉर्डिंग साड़ियाँ कलर स्कीम्स बनती हैं जिदा देखो कि जी कॉम्प्लीमेंटरी कलर स्कीम वो कि बनती है देखो कलर व्हील के ऑपोजिट साइड दो कलर चक लेने ठीक है जिदा देखो ये असं सिलेक्ट कर लिया एक रेड सिलेक्ट कर लिया और एक कर लिया ग्रीन ठीक है जी जो दो ऑपोजिट साइड असी कलर सिलेक्ट कर ले तो वो साड़ी जिहड़ी स्कीम बनती है कॉम्प्लीमेंटरी कलर स्कीम ठीक है कॉम्प्लीमेंटरी कलर स्कीम के सिर्फ दो कलर ही यूज होंगे ठीक है जी जिदा कि नैक्सट टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स होंगे उन्होंने तीन शेड्स लैनी है तीन शेड्स लैनी है ना अलग अलग कलर स्कीम्स के अलग अलग शेड यूज की जाएँ ठीक है जी कॉम्प्लीमेंटरी होंगी है वो सिर्फ दो शेड ही यूज करनी है ठीक है चाहे ब्लू ऑरेंज कर लो रेड ग्रीन कर लो पर्पल येलो कर लो ठीक है ये दो टोन यूज करनी है ये साड़ी केड़ी कलर स्कीम बन जाती है कॉम्प्लीमेंटरी कलर स्कीम ठीक है जी अगे आगे केड़े साड़े वॉर्म कलर जो हॉट कलर होंगे इन्होंने केड़े कलर आते हैं रेड ऑरेंज येलो ये साड़े केड़े कलर है हॉट कलर ठीक है जिदा सानू लुक वाइज भी जो अभी फील भी करिए थोड़े हॉट कलर होंगे ठीक है जी मोस्टली असी मतलब जो गर्मियों में इदा ने गर्म कपड़े इदा मतलब डार्क कलर करिए तो सानू ज़्यादा गर्मी फील होती इसलिए केड़े आ हॉट कलर ठीक है ऑरेंज येलो रेड ये है साढ़े हॉट कलर अगे नैक्सट आओ साढ़े कूल कलर कि होंगे कूल कलर के आ जाता साडा ब्लू ग्रीन पर्पल इस केड़े आ साढ़े कूल कलर ठीक है जी जिन्होंने देख के थोड़ी ठंडक जी महसूस होंगी फील होंगी है दैट इज़ ए कूल कलर ठीक है स्टूडेंट ये है साढ़े वॉर्म एंड कूल कलर नैक्सट साढ़े कलर के आ जाता है एनालॉगस कलर स्कीम्स एनालॉगस कलर स्कीम की होंगी है जिद असी इको फैमिली के कलर सिलेक्ट कर लेते कलर व्हील जिदा साडा एज इट इज इदे बने होंगे ठीक है ये असी कलर कि सिलेक्ट करने हैं ठीक है जी एनालॉगस के होंगे कि असी इको फैमिली के कलर सिलेक्ट कर ले जिदा असी ग्रीन टोन यूज कर लिया ठीक है ब्लू कर ली ब्लू ग्रीन कर ली ग्रीन टोन कर ली ठीक है ग्रीन के नाल रलती मिलती जिदा इको टोन असी चक ले ठीक है जी ये साड़ी केड़ी बन जानी है एनालॉगस कलर स्कीम अगर असी ये ऑरेंज चक लिया रेड चक लिया ठीक है रेड ऑरेंज कलर टोन चक लिया इको टोन सी एनालॉगस एनालॉगस होंगे कि इको टोन सी टोन चक के नैक्सट केड़ी साड़ी कलर स्कीम बन जाती है एनालॉगस ठीक है जी नैक्सट साड़ी आ जाते नैचुरल कलर ठीक है नैचुरल कलर देखो कि होंगे ठीक है ब्राउन कलर हो गया ब्लैक वाइट एंड ग्रे दैट्स इज कि साढ़े नैचुरल कलर होंगे ठीक है जी नैक्सट साढ़े आ जाते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम ठीक है जी मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम के होंगे तुम्हें कोई भी टोन चक लैनी है ठीक है जी एनी रेड ब्लू ग्रीन येलो कोई भी एक टोन ले ली ठीक है जी हुण उस टोन में असी चेंजस किदा करने मोनोक्रोमैटिक दे विच होंदा है जिद्दां इहदे विच असी ग्रीन टोन लै लिया ठीक है जी ग्रीन टोन दे विच असी एक साइड अगर कलर मिक्स करते हैं वाइट ग्रीन दे विच असी वाइट कलर मिक्स करी गए वन बाय पॉइंट एक मतलब एक ड्रॉप पाया नैक्सट वेव पाया है ना तो इहदे नाल साडी जिहड़ा ग्रीन कलर और लाइट टोन दीआं किन्नीआं शेड्स क्रिएट हो जाणगीआं ठीक है जी असी ग्रीन कलर के वाइट डॉम वाइट डॉम अपना कलर मिक्स कर देंगे तो साडीआं लाइट दीआं ग्रीन कलर दीआं लाइट टोन क्रिएट हो गईआं नैक्सट असी उस फिर एक ग्रीन कलर होर लवेंगे वो ब्लैक टोन पावे ठीक है ब्लैक कलर दिया ड्रॉप्स पावे तो साड़ी कि टोन क्रिएट हो जानी है ग्रीन डार्क टोन
ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਰਸ ਜਾਂ ਟੋਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਔਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਲੂ ਔਰ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟੋਨਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਡਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਟੋਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਡਾਰਕ ਟੋਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕਲਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪਾਇਆ, ਬਲੈਕ ਪਾਇਆ, ਕਲਰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕਲਰਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਕਲਰ ਵੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਡਮੇਡ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਲਰ ਵੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡਸ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਲਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੋਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।